बिहार के विशेष राज्य का दर्जा में बदल गया। मध्य रात्रि को विधानसभा भंग करवा दिए तो 10 साल तो बोले नहीं मनमोहन सिंह जी के समय में। यह झुंझुना एको भाजपा को दे देंगे, एको जनता दल को दे देंगे। विशेष राज्य के दर्जा का अब कोई कानून ही नहीं है बाबू। अब कहिए जे चांद पर जाने का टिकट हमको पटना रेलवे स्टेशन पर नहीं मिला, इसका कोई जवाब है क्या? नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीडीओ न्यूज। कांग्रेस के विधायक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर आज बिहार विधानसभा में हाथों में झुंझुना लेकर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को झुंझुना सौंप देंगे। साथ ही बीजेपी, जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी झुंझुना देंगे। वहीं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भाजपा के विधायक ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की जरूरत अब नहीं है। अब आप अगर पटना जंक्शन जाकर वहां से चांद का टिकट खोजेंगे तो कहां से मिलेगा? अब आगे सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। हम लोग बिहार के विशेष राज्य का दर्जा झुंझुने में बदल गया। 17 साल से डिमांड चल रहा था, सिग्नेचर कैंपेन चल रहा था, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन इस पे लड़े गए, इस मुद्दे पे लड़े गए। इस बार सर्वदलीय बैठक में भी बिहार के विशेष राज्य का दर्जा गरमाया रहा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, जब अलायंस में चले गए, तब भी कहा विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार को। और दर्जा के मामले में यह झुंझुना भारत सरकार ने, हाँ लेके जाएंगे, किसको दीजिएगा? अब हम तो सरकारें के सामने रख देंगे, एक भाजपा को दे देंगे, एक जनता दल को दे देंगे, हम पार्टी के होंगे, चार को है, एक और है, तो ये दे दिया जाएगा। ये सिंबॉलिक है कि यही झुंझुना बिहार के साथ भारतीय जनता पार्टी ट्रीटमेंट करती है, झुंझुना समाती है, वादे करती है, जुमले का इस्तेमाल करती है और बेवकूफ बनाती है। ये चालाकी, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तो संघर्ष और तेज होगा। देखिए, विपक्ष राजनीति करते हैं। विपक्ष के पास जब ताकत था, जब मध्य रात्रि को विधानसभा भंग करवा दिए तो 10 साल तो बोले नहीं मनमोहन सिंह जी के समय में। अब जब बिहार केंद्र के विकास से, केंद्र के मदद से आगे बढ़ रहा है और इस बजट में भी बिहार को छलांग लगाने के लिए सब कुछ मिलने वाला है, तो हाय तवा मचा रहा है विपक्ष। विपक्ष को हाय तवा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिहार के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। अब ये तो वो तो वाद विवाद का जगह है, नहीं चलने देंगे, उनकी उनका संस्कार और संस्कृति है। लेकिन अगर डिबेट का वो जगह है, डिबेट में आएंगे तो विपक्ष जो भी शंका प्रकट करेगा उसका समाधान किया जाएगा। पैकेज मिलेगा बिहार को? निश्चित रूप से विशेष पैकेज मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, क्या लगता है मिलना चाहिए? विशेष राज्य के दर्जा का अब कोई कानून ही नहीं है बाबू। अब कहिए जे चांद पर जाने का टिकट हमको पटना रेलवे स्टेशन पर नहीं मिला, तो इसका कोई जवाब है क्या? सर, सदन की कार्रवाई चल रही है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, किस तरीके? यही देख लीजिए जो लोकतंत्र में उनकी कितनी आस्था है। अभी उनको यहाँ रहना चाहिए तो सैर सपाटे पर घूम रहे हैं। जेडी के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कमर में दर्द है, इलाज करवाने के लिए गए हैं। दर्द भी हो तो यहाँ आना चाहिए, उतना अभी नौजवान है, उस दर्द को बर्दाश्त करके भी उनको इस 14 करोड़ जनता के हित के लिए विपक्ष की आवाज़ बुलंदी से उठाना चाहिए।